आरएसपुरा 5 अक्टूबर विजयदशमी के मौके आरएसपुरा के बाना सिंह मैदान में महाराजा रणवीर सिंह महाकेसरी दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी प्रदेशों से आए हुए दिग्गज तथा नामी पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपने अपने जौहर दिखाए। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग के साथ आयोजित किए गए इस महाकेसरी विशाल दंगल के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हुसैन अली बफो तथा बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा दंगल कमेटी के प्रधान करण भगत सहित कमेटी के अन्य सदस्य भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने इस दंगल की शुरुआत करवाए। महाराजा रणवीर सिंह महाकेसरी दंगल का पहला मुकाबला हिमाचल के नूरपुर के सोनू पहलवान जम्मू कश्मीर के बिनिया पहलवान के बीच हुआ, जिसमें पॉइंट के आधार पर बिनिया पहलवान को विजेता घोषित किया गया। इसके अलावा दूसरा मुकाबला आरएसपुरा के काका पहलवान तथा पंजाब के सोनू पट्टी पहलवान के बीच हुआ, जिसमें आरएसपुरा के काका पहलवान ने जीत हासिल की। इसके अलावा तीसरा मुकाबला आरएसपुरा के सेठी पहलवान तथा पंजाब के संदीप घोड़ा पहलवान के बीच हुआ, जिसमें आरएसपुरा के सेठी पहलवान ने जीत प्राप्त की। इस दौरान दंगल कमेटी के सदस्यों ने विजेता पहलवानों को इनाम राशि देकर सम्मानित किया। बताते चले कि इन मुकाबलों के अलावा कई अन्य मुकाबले भी देखने को मिले, जिनमें पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपने अपने दांव पेच दिखाए। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार तथा कांग्रेस नेता हुसैन अली वफा ने आरएसपुरा में विशाल दंगल आयोजित करवाने के लिए दंगल कमेटी को मुबारकबाद दी और कहा कि इस तरह के विशाल दंगल के आयोजन से जहां युवाओं को नशों जैसी बुरी आदतों से दूर रहने की सीख मिलती है, वहीं युवा पहलवानों को मंच प्रदान होता है। लोग हमारे स्पोर्ट्स में आगे आएंगे, वो लोग कभी भी नशे की तरफ नहीं जाएंगे। तो नशे से बचाना है, हमें यूथ को आगे लाना है, इस तरह की एक्टिविटी हमें और भी करवाते रहना है, ताकि स्पोर्ट्स में जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो कभी भी नशे की तरफ नहीं जाएंगे। मैं इस कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा ये स्टेप उठाया है, इतना बड़ा दंगल करवाया, और आगे भी कमेटी के साथ हम खड़े हैं। यहाँ भी कमेटी की हमारी जरूरत है, हम इनके साथ खड़े और इस तरह के इवेंट्स हम और करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सब तो पहले तो आरएसपुरा के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना कि इन्होंने इन्हें सिस्टम नू कंट्रोल करके और पूरे मीडिया का योगदान, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का योगदान या पुलिस डिपार्टमेंट का योगदान, और इस तू ज़्यादा ये मुबारकबाद देना चाहना कि ये जरा स्पोर्ट्स का इवेंट्स ने ये हमेशा लगातार चलने चाहिए ने। अज रसलिंग है, वॉलीबॉल कराओ, फुटबॉल कराओ, हॉकी कराओ, ताकि बच्चे जड़े ने नशा मुक्त हो जाए और इस तरफ ध्यान देने। जिस तरह के चेयरमैन साहब ने कहा, मैं भी उस गल की ताइज करना कि ये साढ़े वास्ते बहुत मुबारक की गल है और पूरे नवे शहर के लोगों को मुबारक। आज आरएसपुरा के सभी वासियों को दशहरा की बहुत बहुत बधाई, और ये जो आज जो दंगल का कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जन सैलाब लोगों का आया हुआ है, लोग पूरी तरह स्पोर्ट्स की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं, और ये जो रेसलिंग का जो कार्यक्रम है, जो यहाँ पे शिंज हो रही है, ये हम बचपन से देख रहे हैं आरएसपुरा में हो रही है। तो आज ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्यक्रम कराया है, और हम इनको मुबारकबाद देते हैं ऐसे कार्यक्रम के लिए। आज दशहरा और जो हमारी छिंज दंगल होता है, दशहरे की मैं बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ अपने आरसपुर वासियों को, दशहरे के भी और दंगल की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दो साल बाद दंगल हुआ, खासा अच्छा खासा उत्साह है, हजारों की तादाद में है, और सामने कम से कम 40 से 50।